केंद्र सरकार लॉकडाउन में भी अलग अलग अध्यादेश ला रही है और कानून बदल रही है। उन्होंने पर्यावरण का कानून ही नहीं तो श्रमिकों के सभी कानून 44 कानून खत्म करके 4 कोर्स लाए। लेकिन आज देश में उद्विग्नता छाई हुई है किसानों के बीच। किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश जो संसद में विरोध करने का मौका भी न देते हुए लाए गए हैं, वो पूर्णतः किसानों के खिलाफ कॉरपोरेट्स को भिड़ाने की बात है। और आज खेती के क्षेत्र में कॉरपोरेट्स का प्रवेश कल बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। एक तो अत्यावश्यक वस्तुओं के संबंध में कानून, जिसका कि साठेबाजी को विरोध था, लेकिन वो बदलकर अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने गोडाउन्स बनाएगी और एयर कंडीशन गोडाउन्स में किसानों का माल सस्ते में खरीद कर रख के फिर महंगा बेचेगी। हम इसका विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसके तहत किसानों की ज़मीनें पहले तो वो ठेके पर ले लेंगे और कहेंगे कि हम आपको पैसा देंगे और आपका माल खरीदेंगे, लेकिन बाद में फंसाएंगे। ऐसा ही पेप्सिको ने गुजरात के किसानों को, आलू उत्पादकों को फंसाया और उनको बहुत कड़ा आंदोलन पिछले साल करना पड़ा। पहले पंजाब की यही हकीकत थी, इसलिए पंजाब हरियाणा सहित पूरे देश के लोग इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करते हैं। किसानों के खिलाफ है मंडी को खत्म करने वाला अध्यादेश। उस कानून को बदला कैसे? राज्य सरकार का अधिकार है खेती संबंधी कानून करने का और केंद्र सरकार इस संघात्मक रचना को, यानी देश के जनतंत्र को ही धक्का देकर खुद के हाथ में सब केंद्रीकरण कर रही है। और उन्होंने ये भी कानून लाया जिसके कारण अब कंपनियां अपनी अपनी निजी मंडियां खोलेंगे, तो इस मंडी में जो कम से कम हमी भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। मंडी में कुछ भ्रष्टाचार होता था, ये हमें भी मालूम है, हम उसके खिलाफ लड़ते, उसको खत्म करने के बदले और मंडी की जनतांत्रिक व्यवस्था सशक्त करने के बदले व्यापार खुला करना, यानी किसानों का नुकसान करना। कल 25 सितंबर के लोग रोज देश भर जगह जगह, जैसे महाराष्ट्र में हम करेंगे नंदुरबार में, कोई करेगा भोपाल में, कोई दिल्ली में, कोई हरियाणा में, पंजाब में, तो हजारों किसान रास्ते पर उतर आए और सरकार ने भी भूमिका ली। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में भूमिका ली है। वामपंथी विचारधारा के लोग बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। सब हमारे साथ है और इसीलिए 21 पार्टियां कम से कम इसका, हमारे आंदोलन का समर्थन करेगी। पर जरूरी है कि लाखों लाखों किसान, किसान की परिभाषा में आने वाले मजदूर, पशुपालक, मच्छीमार, सब कोई 25 सितंबर के रोज रास्ते पर उतर आए और अपना विरोध दर्ज करें।